स्वागत है आपका लीगल ज्ञान भाई उज्जवल सक्सेना की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के बारे में। अरे रुको रुको भाई, मैंने कोई अपना कंटेंट चेंज नहीं किया है एंड ना ही अपना चैनल चेंज किया है। भाई आप सभी को पता होगा कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ एंड कोर्ट में एविडेंस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रूफ। मीन्स अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं। एंड मैं बात कर रहा था सेक्शन 3 के बारे में। तो सेक्शन 3 में एविडेंस की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, जहां पे आप सभी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी एज एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई आज की डेट में इंडियन सड़कों पे एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है, रोड रेज भी कॉमन हो गया है एंड साथ ही साथ चालान भी डेली बेसिस पे कटने लगे हैं। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप रूल तोड़ेंगे तो आपका चालान तो होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गलती नहीं होती तब भी आपका चालान कट जाता है। लाइक आपने गाड़ी में सीट बेल्ट लगाई होती है तब भी सीट बेल्ट ना पहनने का चालान कट जाता है। मैंने देखा है कार में हेलमेट ना पहनने का चालान कट जाता है। तो ऐसे कुछ फनी इंसिडेंट्स हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलते रहते हैं। तो भाई अगर आप भी ऐसी परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं क्यूबो का डैश कैम। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर डैश कैम होता क्या है, तो इस वीडियो को देख के तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन स्टिल मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। तो डैश कैम एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा होता है जो आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लग जाता है एंड इसके काफी सारे यूजेज होते हैं। लाइक अगर आप कभी लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं तो आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने रास्ते की एंड अपने सफर को यादगार बना सकते हैं। एंड इसी के साथ जैसे कि मैं आपको बता रहा था एविडेंस के बारे में, तो मान लीजिए अगर आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो आप इसकी फुटेज को एज एविडेंस भी यूज कर सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में तक मेरे साथ। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस डैश कैम के बारे में सारी डिटेल्स, और चलिए बारी आती है अब क्यूबो के इस डैश कैम को अनबॉक्स एंड ओपन करने की। तो ये आप देख सकते हैं बॉक्स में भाई एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट ऑफ हीरो ग्रुप। एंड एक और चीज मैं दिखाऊं, जैसे ही आप इसकी रेयर बॉक्स की प्रोफाइल में आएंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया का आपको लोगो मिल जाता है। तो भाई ऑलरेडी मार्केट में काफी सारे डैश कैम अवेलेबल है, लेकिन वो डैश कैम क्या है, चाइनीज डैश कैम है। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं आपको इस बॉक्स के अंदर एंड फिर इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और फिर इसकी क्वालिटी वगैरह को भी चेकआउट करेंगे। तो चलिए अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सील मिल जाएगी। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको एक कार्ड मिल जाता है, जहाँ पे ये QR कोड मिल जाएगा दोनों तरफ। एक तरफ आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाता है एंड दूसरी तरफ जो QR कोड है उसकी हेल्प से आप Google Play या App Store से इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर नेक्स्ट आपको मेन डैश कैम यूनिट मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है आपको डैश कैम का। बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूबो की आपको बैजिंग मिल जाएगी, प्लस ये आप देख सकते हैं कैमरा, तो 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है जो कि फुल 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकता है। बाकी इसका लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, तो एक बार नाइट में भी इसको चेकआउट करेंगे इसकी क्वालिटी को। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, लॉक का बटन दिया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिटैचेबल डिजाइन मिलता है। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ये आप देख सकते हैं डैश कैम आपका डिटैच हो जाता है। तो ये एक तरीके का माउंट है जो आपकी विंडस्क्रीन पे फिक्स हो जाएगा एंड ये आपका डैश कैम अलग हो जाएगा, तो ये काफी अच्छा लगा। चलिए वापसी इसको फिक्स कर लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक माउंट मिल जाता है, 3M की टेप मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप विंडस्क्रीन पे अपने इस माउंट को फिक्स कर पाएंगे। एंड ये स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर पावर बटन मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर आपको 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं माइक्रो USB स्लॉट मिलेगा, तो पावर केबल की हेल्प से आप इस डैश कैम को पावर सप्लाई दे पाएंगे। उसके अलावा माइक्रो USD आपको कार्ड स्लॉट मिलता है, तो 1 TB तक का कार्ड आप इस डैश कैम में एड ऑन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई मेन डैश कैम यूनिट के बारे में। हाँ एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 360 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन मिलता है। तो मान लीजिए आपने इस तरीके से लगा रखा अपने डैश कैम को फ्रंट का व्यू रिकॉर्ड करने के लिए एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कैबिन का भी व्यू रिकॉर्ड करूं तो इस तरीके से आप कैमरा को रोटेट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे। तो ये तो बात हुई मेन डैश कैम यूनिट के बारे में। डैश कैम के बाद आपको काइंड ऑफ कार चार्जर या फिर पावर सप्लाई देने के लिए ये अडैप्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं क्यूबो की आपको बैजिंग मिलेगी एंड यहाँ पे आपको सिंगल USB टाइप ए का पोर्ट मिलेगा जिसकी हेल्प से आप पावर केबल के थ्रू डैश कैम को पावर सप्लाई दे पाएंगे। तो आपकी गाड़ियों में आपको पता है 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट तो होता ही है, तो इस तरीके से इसको ओपन करके हम इस यूनिट को लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही आप कार चार्जर को एड ऑन करेंगे यहाँ पे ये ब्लू लाइट लिट अप हो जाती है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको एक दो चीजें और मिलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपको काफी लंबी केबल मिल जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक आपको एक्स्ट्रा ये 3M की टेप मिलती है एंड फाइनली ये चीज आपको जनरली मिलती ही है हर एक डैश कैम में, ये फिल्म होती है प्रोटेक्शन फिल्म, ताकि जो डैश कैम अगर आप 3M की टेप से विंडस्क्रीन पर लगाएं तो वो डायरेक्टली विंडस्क्रीन पर ना लगे।
एंड फाइनली आप देख सकते हैं, अगर आपको जो लंबी सी केबल मिलती है उसको हाइड करना है तो ये आपको प्राई टूल मिलता है जिसकी हेल्प से आप केबल को आसानी से हाइड कर सकते हैं। तो चलिए ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे, यहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो साइन अप करने के बाद आप देख सकते हैं आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा डिवाइस ऐड करना चाहते हैं। तो काफी सारे मॉडल्स आते हैं डैश कैम के क्यूबो की तरफ से, तो जो मॉडल आपके पास है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं गिम्बल भी आता है क्यूबो का। तो आज हमारे साथ क्यूबो डैश कैम प्रो एक्स है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि इज रेड लाइट कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग ऑन योर डैश कैम, तो अभी ब्लिंक नहीं हो रही, वेट करते हैं थोड़ा। एंड रेड लाइट अब ब्लिंक होना, इस तरीके की आपको वॉइस अलर्ट भी मिल जाएंगी। तो ये क्यूबो डैश कैम आप देख सकते हैं, इससे कनेक्ट कर लेंगे हम। ये आप देख सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद आपसे डिवाइस नेम पूछेगा। तो हमारा डैश कैम रेडी है यूज करने के लिए। ये आप देख सकते हैं फीचर्स, रोटेटेबल आपको फीचर मिल जाएगा, प्लस इजीली डिटैचेबल का भी फीचर मिलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं तीन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जी हाँ, ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर बेसिकली जितने भी डैश कैम देखे हैं मैंने वो ब्लैक कलर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, अल्पाइन ग्रीन, मिडनाइट ब्लू एंड आज हमारे साथ है ये स्पेस ग्रे कलर। तो आप देख सकते हैं हमारी ऐप फाइनली कनेक्ट हो चुकी है डैश कैम से। तो लाइव व्यू मॉनिटर का आपको फीचर मिल जाता है एंड अगर आप फुल व्यू देखना चाहें तो इस तरीके की आपको क्वालिटी मिल जाएगी कैमरा में, जहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ऊपर सारी मेंशन्ड है, लाइक डेट टाइम ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और बाकी ये आप देख सकते हैं इवेंट्स एंड ट्रिप्स वगैरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपको गैलरी मिल जाती है, तो अगर आप कोई वीडियो या इमेज वगैरह क्लिक करेंगे तो वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टाइम लैप्स का आपको फीचर मिलता है, तो टाइम लैप्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए डैश कैम की इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोटेक्टिव फिल्म दिखाई थी वो हम लगाएंगे विंडस्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है विंडस्क्रीन पे। एंड नेक्स्ट आप लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में डैश कैम। तो इस तरीके से आप डैश कैम को पोजिशन कर सकते हैं एंड इसको रिवॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैमरा एंगल। तो आपने अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन तो देख ली, चलिए बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा मिल जाता है, तो कैमरे की क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं कार को डे लाइट में चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कैमरा का आउटपुट काफी क्लियर एंड क्रिस्प है। जो हमारे सामने गाड़ी चल रही है वो थोड़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन स्टिल जो HSRP होती है गाड़ी की वो क्लियरली आप रीड कर सकते हैं। सेकेंड सीन में आप देख सकते हैं जो ट्रक है वो रॉन्ग साइड आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो सामने वाले की गलती होगी एंड आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए एक रिकॉर्डेड प्रूफ होगा। थर्ड क्लिप में आप देख सकते हैं कि 2-व्हीलर भी काफी सारे रूल ब्रेक कर रहा है एंड ऐसी कंडीशन में अगर आप पे कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो आप इस क्लिप को एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली नाइट क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर सुपीरियर नाइट विजन कैमरा मिलता है जो काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है एंड आप देख सकते हैं विदाउट स्ट्रीट लाइट भी HSRP क्लियरली विजिबल है, तो ये काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई इस डैश कैम की। सबसे पहला फीचर है यहाँ पर आपको मिल जाता है 360 डिग्री रोटेटेबल कैमरा का फीचर। मीन्स मान लीजिए अगर आप नहीं चाहते कि फ्रंट विंडस्क्रीन का व्यू रिकॉर्ड हो, आप चाहते हैं कि अपनी एज अ मेमोरी के लिए फ्रंट कैबिन का व्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मैनुअली रोटेटेबल कैमरा मिल जाता है। तो आप पुल कर सकते हैं अपने कैमरा को जहां पर आप इसका एंगल चेंज कर पाएंगे, फ्रंट विंडस्क्रीन की जगह अंदर कैबिन का व्यू आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये फीचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। प्लस डिजाइन के बारे में बात कर ही रहा हूं मैं, तो एक और फीचर है यहां पर आपको डिटैचेबल डिजाइन मिलता है। तो बेसिकली मान लीजिए आपने जो माउंट है वो अटैच कर दिया है फ्रंट विंडस्क्रीन पे और आप अपने डैश कैम को निकालना चाहते हैं तो ये फीचर आपको मिल जाता है। अब क्यूबो के इस डैश कैम की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो इसको इंडियन वेदर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यहां पर आपको एक सुपर कैपेसिटर मिलता है जिसकी वजह से ये जो डैश कैम है -5 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 65 डिग्री टेम्परेचर तक बिना किसी परेशानी में काम करने के लिए कैपेबल है। तो चाहे आप लेह लद्दाख में रहते हो या फिर राजस्थान जैसे एरिया में जहां पे टेम्परेचर 40+ डिग्री पहुंच जाता है, तो आप बिना किसी परेशानी के इस डैश कैम को अपनी कार में लगवा सकते हैं एंड अपने कार को सेफ एंड सुरक्षित बना सकते हैं। क्यूबो डैश कैम प्रो में कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लूप रिकॉर्डिंग, इमरजेंसी इवेंट रिकॉर्डिंग एंड यहां तक कि कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्योंकि ये 1 TB तक के मेमोरी कार्ड को सपोर्ट कर सकता है। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको डैश कैम की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी एंड अगर आपको डैश कैम मिल जाए हीरो कंपनी की तरफ से तो इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के सफर को यादगार और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आप भी अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं क्यूबो का ये डैश कैम। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। एंड करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते ही सबसे पहले अलॉय व्हील्स लगवाते हैं। तो भाई अलॉय व्हील्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होती है डैश कैम, तो आप सबसे पहली एक्सेसरी जो लगवाएं मेरी रिकमेंडेशन पे वो होगा ये डैश कैम।
तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक और सरप्राइज है कि अगर आप मेरा कूपन कोड उज्जवल 10 को यूज करेंगे तो आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा क्यूबो के एंटायर रेंज ऑफ डैश कैम के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।